मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 57% से अधिक मतदान हो चुके हैं। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान के बीच कहीं वोटर उत्साहित नजर आए तो कहीं वोटर सरकार से नाराज नजर आए। इतना ही नहीं, वोटरों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया है। ऐसा ही एक मामला शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा से सामने आया है, जहां केरुआ के ग्रामीण मतदान का बहिष्कार करते हुए नजर आए। दरअसल केरुआ के ग्रामीण क्षेत्र में नहर बनाने की मांग पूरी नहीं होने को लेकर के ग्रामीण नाराज है और उन्होंने अब मतदान का भी बहिष्कार कर दिया है। उनका मानना है कि वे कई दफा नहर बनाने को लेकर आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, मांग भी पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कमर खान हमारे साथ में नरबर से जुड़ चुके हैं। कमर खान जी, ये बताइए कि चुनाव के बहिष्कार की घोषणा फिलहाल ग्रामीणों ने की है, लेकिन क्या कुछ उनकी मांगे रही है और क्या कुछ उनकी इशू मुद्दे रहे हैं? मनीष जी, ये पूरा मामला जो है करेरा विधानसभा के नरबर तहसील अंतर्गत केरुआ ग्राम पंचायत है, वहाँ का है। और यहाँ पे जो मतदाता है, जो ग्रामीण है, इनको पानी को काफी मतलब ये लोग परेशानी से जूझते हैं और इनकी फसलों के लिए पानी की जो है व्यवस्था इनकी सही नहीं है। और इन्होंने पहले भी शासन और प्रशासन से आवेदन देके शिकायत की है, बहुत से राजनेताओं से भी इन लोगों ने शिकायती आवेदन दिए हैं कि भैया हमारे यहाँ पे नहर बनाई जाए, हमारी समस्या का समाधान किया जाए, हमारी यहाँ फसल सूखती है, हम लोग काफी परेशान है। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने पहले आवेदन देने के बाद भी को ये भी मतलब कहा था कि अगर कहीं आगे जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तो हम अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई और हमारी पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई क्षेत्र में, तो हम लोग जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर ग्रामीणों को मनाने के लिए क्या कुछ बात की गई है? ग्रामीणों के बीच में क्या प्रशासन गया है? ग्रामीणों से क्या बात की गई है मनाने के लिए? क्या कुछ अभी तक हुआ है प्रशासनिक स्तर पर? ये मौके पर जाकर मैं मौके पर गया था, तो वह मतलब जो प्रशासन के द्वारा उनसे अपील की जा रही है वोट डालने के लिए। जी, लेकिन ग्रामीण अभी तक वोट डालने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, ग्रामीण अभी तक वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ दो मतदान केंद्र बनाए गए थे, तो दोनों मतदान केंद्रों पर 1583 जो है टोटल वोटों की संख्या थी, जिसमें से एक केंद्र पर 4 वोट डाले गए और दूसरे केंद्र पर 15 वोट डाले गए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये खबर आपको बता दें नरबर से, जहां पर ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दी है विधानसभा चुनाव की और नहर का निर्माण, और ये देखिए तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, नहर का निर्माण सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और इसी के चलते नरबर में ग्रामीणों ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर उनको मनाने के कई प्रयास किए गए, अपील भी की गई, लेकिन ग्रामीण नहीं माने हैं और ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया है।